नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। एरोड्रम थाना क्षेत्र में एक बार फिर रिश्ते शर्मसार हुए। यहां पर रहने वाले पिता ने अपनी 4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद मासूम की मां के द्वारा बेटी को पुलिस के सामने लेकर पहुंची, जहां पर पुलिस ने दिए बयान के आधार पर आरोपी पिता को गिरफ्तार किया है। डीसीपी आदित्य मिश्रा के अनुसार एरोड्रम थाना क्षेत्र में रहने वाली एक 4 वर्षीय मासूम के साथ उसके ही पिता ने उसे हवस का शिकार बनाया। पिता एमआईजी थाना क्षेत्र में रहते हैं और कुछ दिनों पहले वो एवं थाना क्षेत्र से बच्ची को लेकर एमआईजी थाने चले गए, जहां पर जब बच्चे अपनी मां के पास वापस आई तो उसके शरीर पर कई चोटों के निशान थे और मासूम सहमी हुई थी। जहां मासूम ने जब इस पूरी घटना की जानकारी दी तो वो डर गई और उसने पुलिस में जाकर पूरी घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस द्वारा आरोपी पिता को गिरफ्तार किया है। एरोड्रम में एक बहुत जो कल दिल दहलाने वाली घटना एक जो सामने आई है, उसमें एक माताजी अपनी छोटी 4 साल की बिटिया को लेकर थाने में आई थी, जहां पर उन्होंने शिकायत की कि वो और उनके हस्बैंड काफ़ी समय से विवाद के कारण अलग अलग रह रहे थे। 2 दिन पहले 6 तारीख को उनके हस्बैंड जब वो नौकरी पे गई हुई थी तो उनके घर आए और उनकी बेटी को अपने साथ जहां वो रहते हैं वहां घर ले गए थे। महिला ने फिर 2 दिन तक लगातार मशक्कत करने के बाद MIG थाना क्षेत्र की पुलिस की मदद से बच्ची को वापस लिया और अपने घर लेके आई। जब घर लेके आई और अपनी बच्ची के साथ वो बात कर रही थी तो उन्हें पता चला कि बच्ची को इंजुरीज हैं, जो उसके प्राइवेट पार्ट्स हैं उस पर इंजुरीज थी। माताजी ने बड़ी संवेदनशीलता देखते हुए उससे आराम से पूछा कि क्या घटना हुई है। जब उसने घटना के बारे में पूरा बताया तो उसके बाद वो थाने में आई थी। थाने में जो महिला पुलिसकर्मी थी उन्होंने हेल्प डेस्क में ले जाकर बच्ची से आराम से उसको एक अच्छे एटमोसफेयर में समझा कि क्या जानकारी है, जिसमें उसने घटना के बारे में बताया। उसके बाद FIR रात भर पुलिस लग के उसमें जो उनके आरोपी जो उसके पिताजी थे उनको गिरफ्तार किया गया है। इसी के साथ साथ बच्ची का मेडिकल भी कराया गया है, बच्ची को काउंसलिंग के लिए भी भेजा जा रहा है और काउंसलर्स की मदद से बच्ची के मजिस्ट्रेट के सामने भी बयान कराए जाएंगे। और ये इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि क्योंकि बच्ची बहुत छोटी है, उसके ऊपर कोई भी मानसिक रूप से दबाव नहीं आए, कोई हैं उनको भी तलब किया गया था तो वो भी साथ में ही हैं, और काउंसलर्स की मदद से बच्ची का पूरा बयान नोट करवाया जाएगा। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल